रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है? जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जरूरत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा चिल्ला मत ठाकुर, आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है, कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे, कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। हरामखोर, पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है।